तो फ्रेंड्स अभी कुछ टाइम पहले सनी देओल की आने वाली फिल्म गदर 2 का टीजर रिलीज हुआ है। ये टीजर ऑडियंस के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन अब ऑडियंस के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार इस टीजर में सनी देओल किसकी कब्र के सामने बैठकर रो रहे थे। वीडियो में तारा सिंह को रोता देख फैंस की भी आंखें नम हो गई हैं। मगर सस्पेंस ये है कि सनी देओल आखिरकार किसकी कब्र के सामने बैठकर इतने भावुक होकर रो रहे हैं। लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं वो सकीना की कब्र तो नहीं है। तो क्या मूवी में सकीना यानी कि अमीषा पटेल की मौत हो जाएगी? क्या सकीना और तारा सिंह की जोड़ी टूट जाएगी? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सनी देओल जिस कब्र के सामने बैठकर रो रहे हैं वो कब्र अमीषा पटेल की नहीं है। खबर में ये भी बताया गया है कि गदर 2 के मेकर्स ने एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ये कब्र वाला सीन दिखाया है। अब ये कब्र किसकी है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर फिल्म के मेकर्स एक और स्पेशल टीजर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि खासतौर पर अमीषा पटेल यानी कि सकीना पर फोकस करेगा। ये टीजर देखने के बाद ऑडियंस को भरोसा हो जाएगा कि आखिरकार ये कब्र है वो सकीना की नहीं है। गदर 2 को डायरेक्टर अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म 2001 में आई ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। फिल्म में एक बार फिर अमीषा पटेल और सनी देओल की जोड़ी एक साथ दिखाई देने वाली। सनी देओल की फिल्म गदर 2 इसी 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो वैसे फ्रेंड्स आप सभी को क्या लगता है कि सनी देओल जिस कब्र के पास बैठकर रो रहे हैं वो कब्र आखिरकार किसकी हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।